Remember the first TWS Realme का the original Realme Buds Air जो I guess हमने last year review किया था उसको wireless charging very cool Google fast pairing good design ergonomic design था बहुत ही lightweight था after that Realme Buds Air Neo वो भी ठीक था उसमें बहुत से compromise थे you know like no wireless charging no in ear detection एंड गूगल फास्ट पेयरिंग आई बिलीव नहीं था कुछ बहुत ही स्ट्रिप डाउन थी बट सेम साउंड क्वालिटी रिटेन की गई थी एंड सेम एर्गोनॉमिक डिज़ाइन था बहुत ही चीज़ थी नाउ वी हैव दी बड्स एयर प्रो तो इसमें वो सभी फीचर्स हैं जो आपको पहले मिली थी प्लस कुछ चीज़ें अच्छी इसमें इन्हेंस की गई हैं वो हम आगे आपको देखते हैं फिलहाल कुछ चीज़ें मुझे जो आउटडोर में टेस्ट करनी है वो मैं आपको बताता हूँ एवरीडे जोड़ा जाए तो डेढ़ घंटे के अराउंड मुझे आना जाना सब हो जाता तो इन बिटवीन दैट मैं उसको फ़ोन से कनेक्ट करता हूँ जो भी मैं फ़ोन करता हूँ आईफोन और एंड्रॉयड जो भी कॉलिंग पर्पस ऑब्वियसली गाना सुनता हूँ सो किसी भी हेडफोन के लिए स्पेशली TWS के लिए बेस्ट पार्ट क्या होता है कि वो कन्वीनियंट होना चाहिए आपके ईयर्स में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यू नो फॉल आउट हो जाएँ या आपके कान में थोड़े से चुभे हैं या यू नो यू गाइस अंडरस्टैंड कन्वीनियंट होना चाहिए अबाउट दिस कुछ चेंज किया गया है कंपेयर टू ओरिजिनल जो था वो एक ट्रेडिशनल डिजाइन था जो फॉलो किया जाता था और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है एंड दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं फर्स्ट जो यू नो अबाउट दी कंफर्ट ये ओके है मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ डिज़ाइन में प्रॉब्लम है लाइक कुछ शार्प है इस कम्प्लीटली स्मूथ अच्छा लगा एंड अबाउट द ग्रिपिंग आई बिलीव ग्रिपिंग इसकी इम्प्रूव की गई है क्योंकि थोड़ा सा इसका ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि वो आपके ईयर के शेप में प्रॉपरली आते हैं लेकिन आपको थोड़ा सा इसको तिरछा पहनना पड़ेगा ऐसे नहीं आप आईपॉड यू नो एप्पल के TWS से क्लोन करें आपको थोड़ा सा परफेक्टली फिट करना पड़ेगा देन इट्स नाइस तो फिटिंग भी अच्छी है एंड सेकेंड बेस्ट पार्ट यहाँ पे जो ऐड किया गया इस बार आई बिलीव दैट इज़ वेरी रेयर वो है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन अप टू 35 decibels आई गेस टेक्निकल टर्म में वो मोर देन इनफ होता है जो आप स्टैंड आउट सुनते हैं आजकल और रियल लाइफ में कितना कन्वीनियंट है सो सी मैंने बताया आपको जैसे मैं ड्राइव करता हूँ राइट सो अंदर वैसे भी केबिन साउंड बहुत कम होता है लेकिन जो यू नो कुछ ट्रकों की वो सब नॉइज होती हैं वो काफ़ी दब जाती हैं आपको हॉर्न सुनाई पड़ेगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है आप एकदम 100% ऑब्वियसली नहीं हो सकता ना तो वो इंपॉर्टेंट है कि आपको गाड़ी का हॉर्न सुनाई पड़ जाए बिकॉज इट्स नॉट सेफ आप सुनते रहिए ड्राइव करिए मैं जब रिव्यू करता हूँ तो ही ऐसे करता हूँ अदरवाइज मैं ऐसे नहीं करता सो गाड़ियों की आवाज़ कम आती है बाहर से प्लस इसका डिज़ाइन ऐसा है कि थोड़ा सा ये ज़्यादा वैक्यूम में आ जाता है सो थोड़ा बेटर इसलिए भी है बैटरी लाइफ सो फॉर मैं चेक कर रहा हूँ अभी तक फोर्थ डे है अभी तक ये डिस्चार्ज नहीं हुआ आई मीन मैं डेढ़ घंटा रोज़ सुन रहा हूँ सो लेट मी चेक कितना स्टैट्स मिलता है ओके गाइस बैक टू द स्टूडियो चलिए रिमेनिंग फीचर्स की बात करते हैं एंड कंक्लूड करते हैं कि रियलमी बड्स एयर प्रो क्या या रियली प्रो है नहीं क्या कुछ प्रोज एंड कॉन्स है कि नहीं ओके फर्स्ट आपको मैं दिखा दूं कि ये दिखने में कैसा है आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं मेरे पास जो है वो वाइट कलर है एंड आई थिंक आपको ब्लैक ऑप्शन भी मिलता होगा सो ब्लैक वन ज़्यादा बेटर लगता है बट आई हैव जस्ट वाइट ओके एंड डिज़ाइन काफ़ी चेंज किया गया कंपेयर करें तो जो पहले के थे रियलमी बड्स एयर नियो जो कि क्वाइट सिमिलर थे लेकिन ये थोड़ा सा यू नो ओवल शेप तो आप नहीं कह सकते हैं काइंड ऑफ सर्कुलर ही है आई मीन अगर आप देखें लिटिल बिट ऑफ फ्लैट है अच्छा डिज़ाइन है बट आई थिंक आप इसको फ्लैटन रख तो नहीं पाएंगे जैसे कि मुझे अच्छा लगता रखने में बट अगेन जस्ट माइनर थिंग ओके इनसाइड एंड ऑल्सो यहाँ पे देख सकते हैं LED स्टिल ग्रीन है जो कि पहले में भी थी और अगर बैटरी लो होती है तो रेड हो जाती है एंड चार्जिंग करते हैं तो ब्लिंक करती है टाइप सी आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग ये किस लिए शायद अच्छा ये हिंज मैकेनिज्म के लिए है आई डोंट नो इसके पीछे रीज़न क्या है कि इसको अलग किया गया है ये मेटल है क्या है वी हैव टू फाइंड आउट एंड यहाँ पे एक और सिग्निफिकेंट चेंज जो आप देखेंगे स्पेशली अगर हम कंपेयर करें इसको ओरिजिनल रियलमी बड्स एयर से यहाँ पे आप देखेंगे ये काफ़ी चेंज हुआ है ये कॉबल डिज़ाइन बनाया गया है इस बार जो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है और आई थिंक ये ईयर में ज़्यादा अच्छे से फिट हो जाना चाहिए बट मुझे एक छोटी सी कॉन्स इसमें लगी अब चूँकि ये मैट फिनिश में नहीं है ये ना काफ़ी ग्लॉसी में है और काफ़ी स्मूथ भी है आई डोंट नो मे बी बहुत लोग ज़्यादा होगा इफ़ यू स्वेट अलॉट मे बी आप वर्कआउट करने में या अदर थिंग्स में तो मुझे एक दो बार ऐसा फील हुआ कि जब आप ज़्यादा स्वेटिंग करते हैं तो ये थोड़ा सा लूज़ होने लगता है बिकॉज जैसे ही आपके ईयर्स में थोड़ा सा स्वेट हो जाता है देन ये प्रॉपरली यू नो इतनी स्टिक टाइटली नहीं होती तो शायद आपको यू नो टॉवल से कुछ क्लीन अप करना पड़ेगा जस्ट अ माइनर थिंग शायद आपके लिए ये हेल्पफुल ओके सो डिज़ाइन चेंज हुआ है थोड़ा सा ऑल्सो यहाँ पे आप देखेंगे ये तो वैसा ही था नियो एंड ऑल ये ठीक था
बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, कुछ सेंसर्स यहाँ पे हैं लाइक इन ईयर डिटेक्शन है, ऑल्सो यहाँ पे नॉइज कैंसिलेशन का भी है ELC जैसे मैंने आपको बताया ज्यूरिंग कॉल। लेट्स सी कि फिट करने में कितना आसान है। लाइक जैसे मैंने ओपन किया, आई नो ये इधर जाएगा, ये ऐसे गया, क्वाइट सिंपल। और ये भी कुछ ऐसे ही जाना चाहिए, क्वाइट सिंपल। लेट्स सी हियर, ये आप बार बार नोटिस करेंगे, आई डोंट नो क्योंकि जस्ट ए कॉमन टेंडेंसी होती है कि ये यहाँ पे शायद ये ऐसे जाना चाहिए, बट शायद ये थोड़ा सा यहाँ पे ओके, ये थोड़ी सी आपको चीज नोटिस होगी जो मुझे नोटिस हुई ओके। तो यहाँ पे भी मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि विद रियलमी लिंक ऐप आप बहुत से फीचर्स कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे गूगल फास्ट पेयरिंग है, लेट्स सी कितना जल्दी ये कनेक्ट होता है। तो मैंने ब्लूटूथ टर्न ऑन किया और ये इंस्टेंटली जैसे आप करेंगे ऑटो कनेक्शन मोड होता है, जैसे आप इसको ओपन करेंगे देखिए ये कनेक्शन मोड में गया और ये इंस्टेंटली कनेक्ट भी हो गया और आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा यू सेव डिवाइस। और अगर आप रियलमी लिंक में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट दिखा रहा है कि लेफ्ट एंड राइट की बैटरी ऑलमोस्ट 100% है। कुछ बेटर फीचर जो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे होंगे वो आप देख सकते हैं, लाइक क्या क्या है। नॉइज़ कैंसिलेशन आप यहीं से कर सकते हैं और चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, अगर आप 2 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं ऐसे, सो वो अपने आप मोड चेंज कर लेता है, ट्रांसपेरेंसी, जनरल, नॉइज़ कैंसिलेशन। अगर आप दोनों एक साइड यहाँ पे इसको होल्ड करके पहने हुए हैं और दोनों साइड एक साथ आप 2 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं तो वो गेमिंग मोड में चला जाता है ओके। और जनरल मोड है, नॉइज़ कैंसिलेशन, ट्रांसपेरेंसी मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग कॉल में ट्रांसपेरेंसी बहुत हेल्पफुल होती है। प्लस वॉल्यूम इन्हेंसर बूस्ट, और आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि आप डबल टैप पे क्या चाहिए, प्ले पॉज, नेक्स्ट, प्रीवियस, वॉइस असिस्टेंट, सो ये सभी चीज़ें आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। केस की बैटरी कितनी है वो भी आप देख सकते हैं। ये मेरा 6th day है और अभी तक ये डिस्चार्ज नहीं हुआ है, तो अगर इस समय देखा जाए एवरेज 2 आवर्स में डेली करूँ तो लगभग 12 घंटे तो मैंने क्रॉस कर लिए हैं। कंपनी 20 आवर्स तक क्लेम करती है मैंने मिक्सड यूज़ किया है नॉइज़ कैंसिलेशन विदाउट नॉइज़ कैंसिलेशन, तो आई थिंक 20 आवर्स प्लस आप आसानी से चले जाएंगे, अभी तक स्टैट्स देख के तो यही लग रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी साउंड क्वालिटी जो मुझे इसमें कैसी लगी। रियलमी बड्स एयर में भी मुझे ठीक लगी थी, बड्स एडियो में भी ठीक लगी थी, आई मीन इट्स ओके, इट प्रोड्यूस ग्रेट साउंड, बैलेंस साउंड है, एवरीथिंग इज ओके। बट यहाँ पे एक जो अच्छा फीचर दिया गया जो मुझे लगता है कि आप बैस बूस्ट इंस्टेंटली कर सकते हैं, पावरफुल बैस यू नो जो बूम बूम वो आसानी से उसमें हो जाता है, कोई भी आप म्यूजिक सुनते हैं तो ये बैस बूस्ट प्लस रियली हेल्पफुल है, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है, यू नो काफ़ी डीप इसमें हो जाता है। तो साउंड क्वालिटी नो डाउट पहले जैसे ही है, AAC कोडेक है जो कि बहुत अच्छा होता है क्रिस्टल क्लियर साउंड के लिए। ये फीचर है प्लस वॉल्यूम इन्हेंसर है, जैसे आप इसको अप करते हैं तो रियली लाउड हो जाता है। अब यहाँ से तो सुनाना मुश्किल है बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो बताया, अगर आप गेम प्ले करते हैं लाइक गेम मोड आप यहाँ से गेम प्ले करते हैं आई गेस नो यहाँ से भी ऑन हो जाता है। तो ये सभी फीचर हैं। नॉइज़ कैंसिलेशन जैसे मैं बताऊँ, लाइक अभी मैंने इसको जनरल मोड पर क्या जैसे मैंने लगाया तो जो फैन चल रहा है लाइक इस वक्त अभी मेरे ऑफिस में एयर कंडीशन इंस्टॉल नहीं हुआ है क्योंकि काफ़ी वर्क चल रहा है तो मुझे फैन से काम चलाना पड़ता है, जैसे अभी मैं पहना हुआ हूँ ठीक है, तो ये फैन कीजिए ना जो जैसे लगातार आपके कानों में हवा लगती है तो वो जो आवाज़ आ रही है, जैसे ही मैं नॉइज़ कैंसिलेशन टर्न ऑन करता हूँ तो वो साउंड ऑलमोस्ट 80-90% मिनिमाइज हो गई है। ना अगर ट्रांसपेरेंसी तो ये थोड़ा सा और बढ़ जाती है, यू नो जनरल से ज़्यादा थोड़ी नॉइज उसमें नहीं लगती, तो जो कॉल में रियली हेल्पफुल है तो आप इंस्टेंटली यहाँ पे इफेक्ट देख सकते हैं। तो इसीलिए मुझे ये बड्स काफ़ी अच्छे लगते हैं बिकॉज जो फीचर यहाँ पे है जो आप इसको रियली चेंज कर सकते हैं राइट। और फर्मवेयर अपडेट अदर फीचर्स जो आप चाहें यहाँ से अगर अपडेट आता है तो मिल जाता है। सो बैटरी रियली कूल, साउंड क्वालिटी रियली कूल विद बैस बूस्ट प्लस इन्हेंस हो जाता है, वॉल्यूम भी आप कर सकते हैं। तो ये सभी गाइस तो फीचर्स थी जो मुझे रियली अच्छी लगी हैं। अब कुछ कॉन्स के बारे में भी बता दूं, शायद कुछ लोगों के लिए डील ब्रेकिंग हो सकती है, कुछ फीचर्स मेरे लिए भी डील ब्रेकिंग है। रियलमी बड्स एयर में बहुत ही अच्छी फीचर्स थी जो बहुत ही रेयर थी इस प्राइस सेगमेंट पे अंडर 5K में, वो थी वायरलेस चार्जिंग, बिकॉज प्रो मीन्स आपको सभी चीज़ें प्रो मिलनी चाहिए राइट। नाउ जस्ट फॉर इंस्टेंस ये मेरा आईफोन का चार्जर है फ्रॉम पिटाका, सो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, मैं आपको डेमो पर्पज़ के लिए एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ। लाइक योर फोन ऐसे चार्ज होने लगता है। तो अगर मैं रियलमी बड्स एयर प्रो के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जैसे आप इस पर रखते हैं
आप देखेंगे ये रेड लाइट ब्लिंक हो, यानी कि इसमें वायरलेस चार्जिंग फीचर है, जो रियली कूल थी, बिकॉज मे बी अगर आप फ्लैगशिप फोन्स कैरी करते हैं तो शायद आपके लिए अच्छा हो, लेकिन यहाँ पे एज सच कोई भी वायरलेस चार्जिंग की फीचर नहीं दी गई है। ये प्रो नाम दिया गया है लेकिन कुछ फीचर्स प्रो वाली कट की गई हैं। एक और क्विक पॉइंट जो मुझे नोटिस हुआ, मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल होगा बहुत से लोगों के लिए। जनरली मैं कोई भी TWS चेक करता हूँ तो उसको अपनी TV से पेयर जरूर करता हूँ, अगर ये सोनी है या सैमसंग है या वन प्लस है और रियलमी मैंने ट्राई किया तो जनरली पेयरिंग होती नहीं, हो जाती है बट काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अगर कनेक्ट हो भी आता है तो आपको डिफॉल्ट आउटपुट, लाइक सोनी TV में आपको डिफॉल्ट आउटपुट चेंज करना पड़ता है, स्पीकर के बजाय आपको हेडफोन में लगाना है तो आप हेडफोन यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे रियली कन्वीनियंट है, मैंने इसको रियलमी TV के साथ पेयर किया तो इंस्टेंटली ये कनेक्ट हो गया। आपको बस एक बार पेयर करना है, नेक्स्ट टाइम जैसे आप इसको ऑन करते हैं ऑटो ऑन होते ही ये अपने आप पेयरिंग मोड में आता है और इंस्टेंटली आपकी TV से कनेक्ट रहता है। तो ये भी एक मुझे प्लस पॉइंट लगा, सो आपके लिए भी हो सकता है ये पॉइंट रियली हेल्पफुल हो। और गाइस चलिए हम रेंज चेक करते हैं रियलमी बड्स एयर प्रो की। तो मैंने अभी करंटली इसको फ़ोन से कनेक्ट कर रखा है एंड ऑलवेज मैंने कान पे लगा रखा है, तो सॉन्ग मैं प्ले करता हूँ और ये यहाँ पे रखा हुआ है। ओके लेट्स गो। और गाइस तो आप फीड्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा, जो मेरे टेस्ट में यहाँ पे मिला है कि 28 स्टेप्स के बाद डिस्कनेक्ट होने लगा था, सिंगलेस कनेक्शन नहीं था। तो स्टेप्स फीट आप कन्वर्ट कर लीजिएगा और 60 फीट के बियॉन्ड 45 फीट स्टेप्स के बियॉन्ड बहुत ही ज़्यादा वॉइस ब्रेक हो रही थी एंड 60 के बाद रियली डिफिकल्ट हो गया था हियर करना, काफ़ी ज़्यादा ब्रेकेज हो रहा था। तो अराउंड 28-30 स्टेप्स तक रियली अच्छा काम करा, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक और कॉन्स जो मुझे लगी है, कॉन्स क्या कुछ लोगों के लिए हो सकता है, इट्स वेरी सैड टू सी, क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो लाइक आपने देखा जो रेंज यहाँ पे मुझे मिली कंपेयर टू रियल मी बड्स एयर के, जो मैंने 190 प्लस तक देखा था स्टेप्स तक, तो फीट में वो रियली हो गया अच्छा था, तो बहुत ही गुड रेंज थी इसकी, लेकिन यहाँ पे मुझे रेंज काफ़ी कम मिला। आउटडोर में आपने देखा 28 स्टेप्स के बाद ही साउंड ब्रेक होने लगा और 60 के बाद तो रियली इम्पॉसिबल सुनना, और इनफैक्ट मैंने इंडोर में भी चेक किया। फॉर म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ, म्यूज़िक में इट्स नॉट वेरी ग्रेट, जैसे मैं यहाँ पे रखा ऑफिस में, अगर मैं डाइनिंग एरिया में जाता हूँ विच इज़ जस्ट एक वॉल एक डोर ओपन करके जाना है, अगर डोर ओपन भी है तो भी वहाँ पे साउंड इसका ब्रेक हो रहा है, आई डोंट नो क्यों। अगर मैं वॉशरूम में जाता हूँ डोर बंद होता है तो भी ब्रेक हो रहा है, लेकिन कॉल में ऐसा नहीं है। कॉल में मैं अगर नेक्स्ट टू नेक्स्ट रूम में जाता हूँ तो कॉल में भी कनेक्शन एक्टिव रहता है। तो फॉर म्यूज़िक कुछ तो चेंज हुआ है कि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। सो अगर आप ज़्यादा रूम अराउंड करते हैं हाउस में म्यूज़िक सुनते वक्त तो शायद आपको ये प्रॉब्लम लगे। तो कुछ कॉन्स मुझे लगी हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये वाली पर्टिकुलर कॉन्स तो इम्प्रूव की जा सकती है बिकॉज विच इज़ समथिंग टू हार्डवेयर लाइक रेंज। तो ये ऐसे अगर आप काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे प्रेफर करना चाहते हैं लॉन्गेस्ट रेंज में तो शायद आपको इस पे ना अच्छी मिले, रियलमी बड्स एयर में अभी भी आपको ये फीचर बेस्ट मिलती है। सो या गाइस ये था रियलमी बड्स एयर प्रो, कुछ फीचर्स रियली कूल हैं लाइक नॉइस कैंसिलेशन, कस्टमाइजेशन जो इसमें दिया गया है, बैटरी रियली ग्रेट है, नाइस फॉर्म फैक्टर, फिजिकल नॉइस कैंसिलेशन भी है जो इसमें कॉबल डिज़ाइन दिया गया है। कुछ कॉन्स लगी लाइक नो वायरलेस चार्जिंग, रेंज उतना एक्सट्रीमली बेटर नहीं है जैसा हमने पास में रियलमी के प्रोडक्ट में इटसेल्फ देखा है, बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। सो दैट्स बीन इट गाइस फॉर द रियलमी बड्स एयर प्रो, स्टे ट्यून फॉर द रियलमी बड्स वायरलेस, उसको हम आने वाले नेक्स्ट सीरीज में 3 मिनट्स रिव्यू में कवर करते हैं, समथिंग लाइक दैट, स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे।